अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां पुलिस ने सुलझाई जेडीयू नेता की हत्या की गुत्थी तो उसी की बहू निकल गई मास्टरमाइंड। कहां रूस की लड़की ने हिंदू रीति रिवाज के साथ यूपी के लड़के से रचाई शादी और कहां देखने को मिला रेत माफियाओं का कहर। पुलिस की तरफ से जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर पुलिस वालों की कर दी पिटाई। शुरुआत करते हैं बिहार के गया से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ, जहां पुलिस ने जेडीयू नेता सुनील सिंह की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। शुक्रवार को अपराधियों ने 4 गोली मारकर सुनील सिंह की हत्या कर दी थी। घर के पास ही वारदात को अंजाम दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस हत्या की मास्टरमाइंड खुद नेता की बहू ही निकली। इस घटना में मिले सुराग के आधार पर गया पुलिस की टीम ने मृतक जेडीयू नेता के छोटे भाई की पत्नी अंजलि सिंह साले रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। एसएसपी आशीष भारती ने बताया कि जेडीयू नेता की हत्या के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जेडीयू नेता सुनील कुमार सिंह और जेडीयू जिला प्रवक्ता अवध बिहारी पटेल किसी दोस्त के यहाँ हुए बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। गोली लगने के बाद उन्हें अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर मध्य प्रदेश से है। एमपी में रेत माफिया बेलगाम हो गए हैं। पहले आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले ये माफिया अब पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे। ताजा मामला मुरैना के सिंघौनिया का है, जहां रेत माफियाओं ने पुलिस द्वारा जब्त रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ली और पुलिस कर्मियों को भी पीट दिया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी रूबी तोमर ने रेत माफिया के गुर्गों से भिड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने थाना प्रभारी को भी घायल कर दिया। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त रेत माफिया के गुर्गे अपनी दबंगई को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त वहां पर 8 पुलिसकर्मी मौजूद थे, जबकि बताया जा रहा है कि रेत माफिया के 6 बदमाश ही पुलिस पर भारी पड़ गए और उन्हें खदेड़ते हुए जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को ले गए। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। आसपास के थानों की पुलिस को वहां बुलाया गया और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। तीसरी अनोखी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ के रहने वाले मोहित से रशिया की रहने वाली वेरोनिका को प्यार हो गया और दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। वैसे शादी में देसी ठुमके तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस शादी में देसी गानों पर विदेशी ठुमके भी खूब देखने को मिले। ये दिलचस्प कहानी है रूस की रहने वाली वेरोनिका और प्रतापगढ़ के रहने वाले मोहित की, जो एक दूसरे के साथ काम करते करते प्यार में पड़ गए और मामला शादी तक पहुंच गया। मोहित ने पढ़ाई के बाद बैंगलोर की एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, जहां उसकी मुलाकात रूस की रहने वाली वेरोनिका से हुई। पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसा नहीं है कि दोनों को अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। मोहित की माँ को इस शादी से एतराज था और मोहित ने भी कह दिया था कि अगर माँ मानी तो वही शादी होगी, फिर क्या था। वेरोनिका ने अपने प्यार का जादू मोहित की माँ और अपनी सास पर भी चला दिया और आखिरकार प्यार की जीत हुई। न्यूज़ तक ब्यूरो।